कोटा में आज एक दिव्यांग को अपनी लाचारी और पैसों के अभाव में अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 2 घंटे तक मुक्तिधाम में इंतजार करना पड़ा। किशोरपुरा मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह में निशुल्क अंतिम संस्कार की व्यवस्था है, लेकिन वो पिछले 18 दिनों से खराब है। इस कारण दिव्यांग अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार निशुल्क नहीं कर पाया। पैरों से लाचार मनोज नाम का ये शख्स इधर उधर मदद के लिए भटकता रहा, लेकिन कोई भी मददगार नहीं मिला। दिव्यांग मनोज की पत्नी कांता देवी की हार्ट की बीमारी की वजह से न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसके बाद अस्पताल के एम्बुलेंस ने शव को मुक्तिधाम तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद क्रियाक्रम के लिए मनोज के पास पैसे नहीं बचे। अब इसको हॉस्पिटल से बोल दिया था कि ले जाओ तुम्हारे समझ। हमने तो मेरे घर वाले राजी न इसके घर वाले राजी, कहाँ ले जाऊँ इसको। मेरे पास पैसे भी नहीं है। 5 महीने हो गए, 5 महीने में से 2 महीने काम करा, जो पैसे आए जो इसकी लगा दी मैंने। जो पहले अभी कुछ भी नहीं है पैसा जेब में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो पहले पड़ा था जो सारा खर्च हो गया। दरअसल मनोज का विवाह 5 महीने पहले ही कांता देवी से हुआ था। दोनों के परिवार की बगैर रजामंदी से विवाह हुआ तो दोनों के परिवार भी उसका साथ देने नहीं आए। करीब 2 घंटे तक वह मुक्तिधाम के अंदर ही पत्नी का शव लेकर बैठा रहा। एक लावारिस के शव का अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे कर्मयोगी सेवा संस्था के सदस्यों ने जब उसकी पीड़ा सुनी और फिर संस्था ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए लकड़ी सहित क्रियाकर्म की पूरी सामग्री का इंतजाम किया। हमारे कर्मचारियों ने वहाँ मुक्तिधाम पर पहुंच करके देखा कि एक विकलांग व्यक्ति अपनी पत्नी के शव को लेकर गए और विद्युत शव दाह के बाहर पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ है और उसके पास में अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है। उसने मेरी सूचना देने पर मैंने जब वहां जाकर के देखा तो बड़ा दयनीय स्थिति में एक विकलांग व्यक्ति जिसने अपना नाम मनोज बताया, अपनी पत्नी कांता 23 वर्षीय कोली उसका शव लेकर के और वो बैठा हुआ था। मैंने उससे जानकारी की, बताया उसने हार्ट पेशेंट होने के कारण इसको मेडिकल कॉलेज में दिखवाया था, लेकिन इसकी आज मृत्यु हो गई, जिसके कारण वहाँ से जो है शव को यहाँ लेकर के आया हूँ अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन यहाँ विद्युत शवदाहघर है, पिछले 18 तारीख से बंद पड़ा हुआ है पत्नी की खराबी के कारण, तो अंतिम संस्कार करने में मैं असमर्थ हूँ। हमने तत्काल इसकी अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं करवाई है, यहाँ लकड़ी और अंतिम संस्कार से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाते हुए अभी इसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया है।